फिर आप लिख सकते हो आई वुड अगेन लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर द ऑफर माई रिग्रेट दैट इट डिड नॉट वर्क आउट उन्होंने जो आपको ऑफर किया आपको नहीं वो काम आया बट यू हैव माई विशेज बेस्ट विशेज इन फाइंडिंग अ अटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजिशन आई विश यू एंड द कंपनी वेल इन ऑल फ्यूचर एंड ओवर सो इस तरीके से आप उसको क्लोज कर सकते हो ठीक है एंड आई विल डेफिनेटली कम बैक इन द फ्यूचर एंड होप वी विल वर्क टूगेदर इन द फ्यूचर एज वेल थैंक यू सो मच एंड चीज डेट्स एट तो इतना आपको लिखना है इस तरीके से मैंने लिखा था <laughs> हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग सो so गाइस स्वागत है आपका एक और नए कमाल एपिसोड के अंदर संडे का दिन है बारह बज के इक्कीस मिनट हो चुके हैं और मैंने कहा चलो फटाफट से ब्लॉग वाला काम निपटाया जाए क्योंकि कल होली है मैंने कहा चलो आज ही से वाइंड अप करते हैं स्वागत है आपका एक और कमाल एपिसोड के अंदर और आज इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं तीन बातों के बारे में दिस इज व्लॉग नंबर फाइव अगर आपने लास्ट चार व्लॉग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है जल्दी जाओ देखो और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विच के बारे में नोटिस पीरियड के बारे में अगर नोटिस पीरियड तीन महीने का है और फाइनली ऑफर के ऊपर ऑफर काउंटर ऑफर जी हाँ आज इन तीन बातों के बारे में बात करेंगे आपने बहुत कमेंट करे लास्ट व्लॉग के अंदर सारे तो मैं पॉसिबल नहीं है कवर करना मैं ट्राई करूँगा कि उनका मैं आपको अलग एक व्लॉग दूँ अब जैसे ये तीन टॉपिक है स्विच करने का कैसे डिसाइड करें मुझे स्विच करना चाहिए तीन महीने का नोटिस पीरियड और आफ्टर काउंटर कैसे काउंटर ऑफर कैसे हम टारगेट करें ऑफर के ऊपर ऑफ़र कैसे लें अब मैं चाहता इन पर तीन ब्लॉग बना सकता था अलग अलग मैंने कहा नहीं इसे एक वीडियो में कवर करते हैं एक ब्लॉग में कवर करते हैं तो स्वागत है मुझे आप लोगों से कम्प्लेंट है यार वो ये है अब देखो व्लॉग को ऐसे ही शूट किया जाता है मैं अब एक जगह रख दूँ कैमरा वो रखूँगा अभी डोंट वरी बट इंट्रो वगैरह ऐसे ही शूट किया जाता है तो अभी कुछ लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता व्लॉगिंग का तो अभी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे ठीक है और कंप्लेंट ये है कि यार आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे वीडियो पे छः छः हज़ार व्यूज़ हैं बट आप लाइक नहीं करते तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए लाइक करो ताकि मैं ऐसे ही और कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ ठीक है जब ये कंटेंट बनता है तो ऐसा नहीं कि बस मैंने कैमरा उठाया और शुरू हो गया थोड़ा सा मुझे अपने एक्सपीरियंस से मैच करना पड़ता है कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं उसके बेस पर मैं सोच पाता हूँ और एग्जाम्पल सेट कर पाता हूँ ठीक है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा और उसके बाद टारगेट करते हैं इस ब्लॉग पे 1000 लाइक्स का उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ब्लॉग आएगा आपको और ज्यादा एनर्जी के साथ मिलेगा तो चलिए फिर शुरू करते हैं बस मैं एक मिनट में आता हूं तो चलिए जी शुरू करते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्विच का कि अब कैसे मैं डिसाइड करूं या कब मुझे स्विच करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं फिर जितने डॉट्स हैं जो दूर दूर हैं अभी उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर वीडियो को अच्छे से लास्ट में कंक्लूड करेंगे ताकि आप समझ पाओ और बेटर डिसीजन ले पाओ मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ सब अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने सीखा है उससे वो आपको मिल रहा है अभी ठीक है वो भी फ्री है तो इसलिए नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके जरूर जाना वीडियो को ठीक है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना देखो स्विच का पॉइंट कब आता है आप एक जॉब स्विच करने का कब कब सोच सकते हो या तो जो एक्सपीरियंस है उतना पैकेज नहीं है ठीक है मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा अभी कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कितना आपका पैकेज होना चाहिए इतना तो होना ही चाहिए उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है जो हो भी जाता है कहीं को ज़्यादा मिल जाता है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी प्रोडक्ट बेस एंड सर्विस बेस ठीक है अभी देखते हैं तो जैसे मैं एक नॉर्मल बात करूँ ठीक है आप अभी मुझे देख रहे हो सुन रहे हो आपके दिमाग में कब आएगा कि आपको स्विच करना चाहिए या फिर आपको जो एक्सपीरियंस है उतना आपको पैसा नहीं मिल रहा है ठीक है आपके जो सर्कल में लोग हैं आप उन्हें देखोगे यार उसका इतने एक्सपीरियंस पे इतना पैकेज है मुझे, एक क्वेश्चन तब आएगा तब कहूँगा मुझे स्विच करना है मुझे इस टेक्नोलॉजी को पढ़ना है और इसके बेस में मुझे डिज़ाइन मार के आगे जॉब चेंज करनी है दूसरा केसेस बता रहा हूँ अभी स्विच के कौन कौन से आते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ केसेस कब कब माइंड में आता है स्विच करने का पैसा कि एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं मिल रहा है दूसरा टेक्नोलॉजी नहीं है और पैसा भी नहीं है तीसरा पैसा है सम टाइम बट टेक्नोलॉजी नहीं है वो काम नहीं करने में मजा आ रहा है पैसा मिल रहा है तीन चीज़ें हो गई ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये वो पॉइंट्स है पहले स्विच करने के ये आपके माइंड में जरूर आएंगे ही आएँगे कि अब मुझे स्विच करना है तो ये इनमें से यही रीज़न होगा या तो पैसा कम होगा या टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिल रही है राइट right? और कभी कभी टेक्नोलॉजी मिलती है पैसा कम है ठीक है तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स आते हैं स्विच के दौरान आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है अगर मैं एक अमाउंट की बात करूं आपका जो भी एक्सपीरियंस है अब तीन साल का है चार साल का है पाँच साल का है आपका एटलीस्ट पैकेज एक्सपीरियंस इंटू टू होना चाहिए पाँच साल है तो दस लाख और दस लाख से ऊपर होना ही चाहिए या दस लाख है इंटू टू करके आपको चलना है इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है और ये है लोगों का होता भी और मिलता भी है बट ये है कि अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो तो आप इंटू टू कर सकते हो अगर आप प्रोडक्ट बेस में करो तो आप इंटू थ्री भी कर सकते हो मैं बहुत सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूँ आप रिलेट कर पाओगे जो भी आपके सर्कल में लोग हैं जो एक अच्छी एमएनसी में काम कर रहे हैं वहां पे उनका पैकेज इतना मिल जाता है नहीं मिलता है तो फिर वो स्विच मारते हैं मैं आपको सिंपल से एक लॉजिक बताता हूं अगर एक कंपनी में आप काम कर रहे हो आपका पैकेज मान लीजिए दो लाख रुपए है आपको दस लाख तक पहुंचना है तो हर साल टेन टेन परसेंट इंक्रीमेंट भी होगा तब भी कितना आपको साल लग जाएंगे उस दस साल तक के माइलस्टोन को अचीव करने के लिए तो इसलिए क्या करना है अगर आपको जल्दी से दस लाख पे पहुंचना है आठ लाख पे पहुंचना है सात लाख पे पहुंचना है तो आपको स्विच मारना ही पड़ेगा सर्विस बेस के अंदर तो उनके नॉर्म्स बने होते हैं कि भाई अगर आपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया है तो जो भी हर साल का इंक्रीमेंट प्रोसेस है उसके हिसाब से वो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा अगर आपको एक कंपनी में बहुत अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं आपका पैकेज भी अच्छा है और टेक्नोलॉजी भी ठीक ठाक है तो आप नहीं सोचोगे ज़्यादा स्विच का आप कहोगे ठीक है यार वर्क लाइफ बैलेंस है चीज़ें अच्छी चल रही हैं मैं और चीज़ों में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ और सबसे बड़ी बात सेटिसफाई अगर आप ख़ुद सेटिसफाई हो तो किसी और को आपको सेटिसफाई करने की जरूरत नहीं है राइट तो अगर आपका स्विच का माइंडसेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये आप यहाँ क्या कर सकते हो अगर आपको टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं मिल रही है और मैंने आपको बता दिया कि पैकेज कितना आपका होना चाहिए अगर आपका एक्सपीरियंस जितना भी है इन टू करके आपको चलना ही है उतना पैकेज आपका होना चाहिए नहीं है तो आप स्विच करो और स्विच जो होगा वो होगा स्केल के बेस पे अगर आप स्केल में अच्छे हो जिस टेक्नोलॉजी को आप टारगेट कर रहे हो उसके बारे में आपको हैंड्स ऑन होने चाहिए प्रैक्टिस होनी चाहिए मैं रिएक्ट का एग्जांपल लेता हूँ आपके पास रिएक्ट की नॉलेज होनी चाहिए फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए आपने एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रखा हो सी में उसको मैंशन करो गिट लैब या गिट पे उसको होस्ट करो और वो यू आर वहाँ पे मैंशन करो फिर आप इंटरव्यू देने जाओ अब वो क्या अप्रोच रहती है लिंकड इन ऑन नौकरी डॉट कॉम की वो मेरे लास्ट ब्लॉग के अंदर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो ठीक है बात समझ आ रही है तो स्विच का बहुत ही क्लियर है सर मेरे को पैसा ठीक मिल रहा है टेक्नोलॉजी नहीं है ठीक है उस केस में देखो यार यहाँ पे आते हैं फैमिली सर्कमस्टांसेज जैसे मान लीजिए एक बंदे का पैकेज बहुत अच्छा है बट टेक्नोलॉजी नहीं है अब उसकी एज एक ऐसी हो गई है अब वो मैरिड है फॉर एग्जाम्पल अब मेडल है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं मैं भी रिस्क नहीं ले रहा ठीक है एक टाइम पे आके जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आप जॉब सिक्योरिटी की तरफ भी जाते हो ये मैं बहुत ही क्लियर फैक्ट्स बता रहा हूँ ये एक जो माइंडसेट होता है ये बन जाता है कि अब जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी तो रिस्क का फैक्टर आपका बढ़ जाता है कि नहीं मैं अब नहीं जॉब स्विच कर रहा टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हो आपको बहुत कॉन्फिडेंस है अब ये वो लोग कर पाते हैं जो अपने आप को डेली आई में अप टू डेट कर रख रहे हैं अगर आप बहुत ज़्यादा अप टू डेट हो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो फैमिली भी साथ में मैनेज कर रहे हो ठीक है और तो चीज़ें बेटर हो जाती हैं मतलब आप पर उस केस में ये बहुत कम केसेस में होता है क्योंकि जॉब के आठ घंटे बारह घंटे समटाइम सोलह घंटे उसके बाद फिर अपने आप को भी अपडेट रखना मैं बहुत आसानी से बात बोल रहा हूँ बट इट्स नॉट ईज़ी हाँ अगर आप बैचलर हो तो उस केस में आ, आप टाइम निकाल सकते हो इसलिए लोग क्या करते हैं कि बैचलर से पहले ही ट्राई करते हैं कि अपने आप को इतना बेटर कर लें इतना अच्छा पैकेज कर लें कि आगे दिक्कत ना आए ठीक है एक अच्छी कंपनी को हम टारगेट कर सकते हैं तो ये एक माइंड रहता है तो स्विच के लिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि जितना जल्दी अभी आप कर सकते हो कर लो और जो लोग मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल थर्टी थर्टी से ऊपर है उस केस में अगर वो स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि देखो अब आप 30 से ऊपर चले गए हो आपका एक्सपीरियंस पाँच साल से ऊपर ही होगा तो आप आगे उस कंपनी में रह के और थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करो उसी एग्जिस्टिंग कंपनी में रह के एक टीम लीड का रोल लो वहाँ पे ताकि आप नेक्स्ट कंपनी में एज अ टीम लीड जाओ ना कि कोई डेवलपर जाओ टीम लीड वाला रोल लेके जाओगे तो आप स्ट्रगल नहीं करोगे अगर आप डेवलपर जाओगे सम टाइम आप स्ट्रगल करके आप फ्रस्ट्रेशन में आकर जॉब छोड़ सकते हो ठीक है तो ये सब चीजें हैं जो जॉब स्विच के दौरान आपको ध्यान रखनी है आई होप ये जितनी मैं बातें बोल रहा हूं आपको हेल्प करेंगी ठीक है तो स्विच का क्लियर हो गया कि कब आपको स्विच करना चाहिए वो तीन पैरामीटर्स मैंने बता दिए उसके बेस पे यू कैन थिंक एंड डिसाइड कि मुझे स्विच करना है जो भी बैचलर हैं तीस से कम वाले हैं वैसे एज एक जस्ट नंबर होता है बट मैं जस्ट सेग्रीगेट कर रहा हूं अगर आपकी शादी नहीं हुई है अभी तो उसके इसमें में वट यू कैन डू अपने आप को ब्रश अप करो अपने स्किल्स को ब्रश अप करो उसके बेस पे जल्दी से जल्दी स्विच मारो और एक अच्छे पैकेज में जाने की कोशिश करो अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बात बोलूँ कि प्रोडक्ट बेस या सर्विस बेस तो आप में से काफ़ी लोग कहेंगे प्रोडक्ट बेस भी पैसा ज़्यादा मिलता है ठीक है तो वो आपके नॉलेज के बेस पर आपको सर्विस बेस मिलेगा प्रोडक्ट बेस मिलेगा वो चीज़ें वहाँवेरी कर जाती है ठीक है बात समझ आ गई स्विच की अब चलो जी स्विच हो गया अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास अब नोटिस पीरियड ये भी एक पंगा है इसके बारे में बात करते हैं अब जी देखो होता गया है नोटिस पीरियड के दौरान कहीं कंपनी में तीन महीने का होता है कहीं में दो महीने का होता है अब जैसे जो अच्छी कंपनी होती है जिनके अच्छे नाम है मार्केट में फॉर एग्जाम्पल एसेंचर का मैं नाम लेता हूँ मेरे पास एक लाइव एग्जाम्पल है मेरा फ्रेंड है उसका एसेंचर में हुआ है मेरी कंपनी में ही था वो उसका जो नोटिस पीरियड था वो तीन महीने का है असेंचर ने पूरा वेट किया तो जो अच्छी कंपनी होती है अगर आपका नोटिस पीरियड तीन महीने का भी हो मैक्स तीन महीने का ही होता है ऐसे ज़्यादा नहीं होता तो वो रुक जाती हैं आपके लिए वेट कर लेती हैं तो अच्छी कंपनी जो होंगी जो बड़े नेम है वो कभी भी ये नहीं कहेंगे आप दस दिन में ज्वाइन करो पंद्रह दिन में ज्वाइन करो क्योंकि उनके पास बहुत सारे एम्प्लाइज ऑलरेडी हैं बट वो ये कहते हैं कि अच्छा रिसोर्स मिल जाए तो उनका एक ये माइंड रहता है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है आपकी ज्वाइनिंग से पहले और वो लोग वेट कर लेते हैं अब सर ये तो ठीक है पर ज़्यादातर एग्जाम्पल में क्या होता है कि नब्बे दिन नोटिस प्लेट कोई एंटरटेन नहीं करता राइट इस केस में हम क्या कर सकते हैं आप अपनी प्रोफाइल नौकरी पे अपडेट करो लिंक पे अप्रोच करो ठीक है और आपको एक लेटर पकड़ना है बस और रिज़ाइन मारना है रिज़ाइन मार जैसे एक लेटर कैसे पकड़े हम लिंकडिन के थ्रू अप्रोच कर सकते हो आप और मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ मान लीजिए एक कंपनी में चाहे वो छोटी कंपनी भी क्यों ना हो कोई बात नहीं इंटरमीडिएट भी क्यों ना हो आपको एक ऑफर लेटर पकड़ना है जैसे आप एक ऑफर लेटर पकड़ लोगे तो आप नोट नौकरी डॉट कॉम के अंदर या फिर लिंकिन पर जिससे आप बात करें उनको आप बता सकते हो कि मेरे पास ऑलरेडी मैं नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे आपके दिन कम होंगे ना चालीस दिन रह गए पैंतालीस दिन रह गए आपके चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे सिलेक्शन के आप समझ रहे हो उतने ज़्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे ज़्यादा सिलेक्शन के क्योंकि जैसे जैसे दिन कम होते जाते हैं वो एच आपको कांटेक्ट करना शुरू कर देंगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है आपका नोटिस पीरियड नब्बे दिन का है कोई बात नहीं आपको एक ऑफ़र पकड़ना है और जैसे ही वो ऑफर आपके हाथ में आ जाएगा तो आप रिज़ाइन डाल के आपके जो दिन है वो कम होने शुरू हो जाएंगे क्या सर हम झूठ बोल सकते हैं कि मेरा दो महीने का नोटिस पेयड और मैं उसके बाद वो पकड़ लूँ क्या बोलते हैं ऑफ़र कुछ लोग ऐसा करते हैं बट फिर उस कंपनी के लिए आप ब्लैक लिस्ट हो जाओगे जैसे कि मान लीजिए आपको तीन तीन जैसे आपका नब्बे दिन का नोटिस पीरियड है नाइन्टी डेज़ का है और आपने क्या किया आपने आगे बताया नहीं कि नब्बे दिन का नोटिस पीरियड आपने कहा साठ दिन का है मैं साठ दिन में ज्वाइन कर लूँगा कंपनी को लेगा ठीक है तो आपने वहाँ से ऑफर लेटर पकड़ लिया समाव तो उस केस में फिर उस कंपनी के लिए कभी आप एलिजिबल नहीं हो सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको कुछ लोग करते हैं ऐसा ठीक है और ले लेते हैं उसके बाद फिर वो ज्वाइन नहीं करते ख़राब चीज़ नहीं है ज्वाइन ना करना अगर आपको कोई बेटर ऑपरचुनिटी मिल रही है सिम्प से आपको बात बताता बताऊँ कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है और मैं आपको गूगल कहाँ जाओगे गूगल में जाओगे ना तो वहाँ पे आप क्लियरली उनको मेल पे मेंशन करो क्या लिखना होता है बता देता तो हूँ अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ एक हिंट दे देता हूँ उनको जस्ट ये नहीं लगना चाहिए मतलब ठीक है आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने आगे आपने लुक आफ्टर किया ना उसके लिए फिर तो उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है तो नोटिस ब्लेट का सिंपल सा फंडा है अगर आपको बस एक ऑफर लेटर पकड़ना है ठीक है आप वो कैसे भी पकड़ो तुम्हारे ऊपर है वो अगर आपने वो लेटर पकड़ लिया उसके बाद फिर तुम्हारे दिन कम होने शुरू हो जाएंगे नोटिस पेड के हिसाब से साठ दिन पे आ जाओगे पैंतालीस दिन पे आ जाओगे और चांसेज और मिल जाएंगे और वहाँ से तुम्हें ऑफर्स और आने लग जाएंगे समझ रहे हो और बेटर कंपनी को कैसे अप्रोच करें क्या करें वो लास्ट लोग मैंने कवर किया है नौकरी और लिंकिन के बारे में वो बहुत हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा जरूर देखना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो जिनका नोटिस पीरियड नब्बे दिन का है साठ दिन का तो चलो ठीक है एक नॉर्मल होता है सबका तो आपको बस पहली कंपनी एक कंपनी टारगेट करनी है वहाँ से ऑफ़र लेटर कलेक्ट करना है जैसे जैसे आपके दिन कम होते जाएंगे बस ऑफर लेटर अब ये नहीं कि मैं जहाँ रहता हूँ मुझे वहीं का बाहर का ही मिल जाए कोई बात नहीं बट एक ऑफ़र लेटर आपको लेना ही है जैसे आपको मिल जाएगा उसके बाद फिर आ, मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जैसे ही आप डेज कम होते रहते हैं नोटिस पीरियड आपका लेस होता रहता है तो आपको कॉल्स आने शुरू हो जाती हैं और उससे बेहतर ऑफ़र मिलने भी शुरू हो जाते हैं फिर आप और बेटर ऑफ़र ले सकते हो ठीक है जो भी नेक्स्ट मेरा पॉइंट है अभी क्या लिखना होता है ई के अंदर अगर कोई कंपनी को आपको मना करना है तो मैं आपको बता देता हूँ लिंकड पे क्या लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी इस थर्ड पॉइंट के बाद बताता हूँ ठीक है थर्ड पॉइंट क्या है हमारा थर्ड पॉइंट है कि ऑफर के ऊपर ऑफर ठीक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखो ऑफर के ऊपर ऑफर क्या है अब देखो पहले समझ लेते हैं ऑफर के ऊपर ऑफर क्या होता है काउंटर ऑफर क्या होता है फॉर एक्जाम्पल आपका एक कंपनी में हो गया आपको वहाँ से आठ लाख का पैकेज मिल गया ठीक है आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो आपको और कंपनी कॉल कर रही है क्योंकि आप जब नोटिस पीरियड सर्व करोगे तो आप लिंकड पे और नौकरी पे आप इन सबको बता दोगे मतलब बेसिकली उनके फॉर्म पे अपडेट कर दोगे कि मैं नोटिस प्लेट सर्व कर रहा हूँ और इतने दिन का इतने दिन रह गए हैं तो, तो उस दौरान आपको कंपनीज़ कॉल करेंगी और आपका इंटरव्यू होगा आपको दस लाख का मिल जाएगा अब आप सिंपल सी बात है कोई भी इंसान है वो ये तो कहेगा नहीं, नहीं मैं बेटर अपॉर्चुनिटी हर इंसान बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर टेक्नोलॉजी देखेगा तो वो दस लाख के लिए पकड़ लेगा ऑफर लेटर जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे उसके बाद तीन चार ऑफर लेटर हो गए ठीक है एट दी एंड क्या करेगा वो कौन सी बेटर है ग्लास डोर पर जाएगा लोगों से बात करेगा रिव्यू लेगा पूछेगा कौन सी बेटर है उसके बेस पर वो फिर उस कंपनी में चला जाएगा अब जो बची हुई तीन कंपनियाँ हैं क्या वहाँ के लिए ब्लैक लिस्ट हो गए आप ब्लैक लिस्ट हो सकते हो इसमें कोई डाउट नहीं है बट आप अच्छी तरह से अपनी तरफ से एक ईमेल बना के भेजो उनको ठीक है अब वो ईमेल क्या रहेगा बताता हूँ मैंने क्या डाला था ठीक है तो उस दौरान आपको क्या होगा कि सम अगर आप फ्यूचर में कभी उस कंपनी के लिए जाते हो और आपने एक ईमेल अच्छा डाला है और अगर आप अच्छा कोऑर्डिनेट है आपका उनके साथ जैसे मेरी एचआर से बात हुई थी जिनको मैंने मना किया था तो मेरा उनसे बहुत अच्छा यू you नो know, जो वाइंड अप हुआ बहुत अच्छा हुआ मतलब इस तरीके का माइंड बन गया था उनका इस तरीके से कम्युनिकेशन इस तरीके से था कि उन्होंने कहा कि अगर फ्यूचर में आप वी विल डेफिनेटली वेट हम आपका वेट करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो कभी फ्यूचर में तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम तो इस तरीके से मैंने क्लोज किया वो चैप्टर ये बहुत जरूरी होता है अगर आप इस तरीके से क्लोज कर सकते हो कम्युनिकेशन क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन जरूरी है एचआर के साथ वो जितना अच्छा होगा चीजें मैनेज हो जाएंगी जितना कम कम्युनिकेशन होगा उतना ज़्यादा फिर गैप रहेगा ठीक है तो काउंटर के ऊपर काउंटर ऑफर क्या होता है इसका मतलब वो ये होता है कि आपका जो नोटिस पीरियड है वो जैसे जैसे कम होता जा रहा है चालीस दिन तीस दिन तो आपको कंपनीज अप्रोच करती हैं आप उनसे बात करते हो आप इंटरव्यू देते हो आपको नया ऑफ़र मिलता है आपके पास लास्ट में चार पाँच ऑफ़र लेटर आ गए एट दी एंड आप डिसाइड करते हो कि मुझे किस कंपनी में जाना है उन ऑफ़र लेटर्स के बेच बेस पे चलो तो मैं बताता हूँ आपको कि लिंकडिन पर मैंने क्या लिखा था क्या लिखता हूँ मैं और उसके बाद जब मैंने एक कंपनी को मना किया तो उसके लिए मैंने क्या लिखा चलो चलते हैं मोबाइल पे। तो जी लिखा मैंने जैसे लिंकडिन पे अगर आपको लिखना हो किसी एचआर को अगर आपने कुछ भी लिखना हो कि आपका एक्सपीरियंस क्या है तो ये लिए आप लिख सकते हो हाय जो भी उस बंदे का नाम है आई uh, एम अपना नाम एंड करेंटली वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेवलपर इन दिस कंपनी लोकेशन आई हैव बीन फोर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपमेंट एंड जो भी आप अदर जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं लिखता हूँ आई ऑल्सो अ पार्ट टाइम यूट्यूबर आई वॉन्टेड टू अप्लाई जो भी कंपनी का नाम है फॉर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल बट इन दी पोर्टल आपके मैंने पोर्टल पर ट्राई किया वहाँ पर कोई ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिखा सो दे हैव मैंशन वी डोंट एक्सेप्ट जो एप्लीकेशन वी ओनली टेक अपलीकेशन थ्रू इम्प्लॉय रेफर अब होता क्या है कि कुछ कुछ कंपनी में रेफरर के थ्रू ही होता है तो इस तरीके से आप मैंशन कर सकते हो क्लियरली कि मैंने पोर्टल पर भी देखा बट ऐसी कोई भी मुझे इन इवन लिंकड नौकरी डॉट कॉम पर भी देखा मुझे आपकी कंपनी का नहीं देखा बट मैं अप्लाई करना चाहता हूँ आपकी कंपनी में सो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कुर एंड कंसिडर माई प्रोफाइल और अपनी डिटेल्स दे दो बिल आर माई डिटेल्स नेम ई मेल मोबाइल नंबर आई विल वेट पॉजिटिव रिस्पॉस फ्रॉम योर साइड थैंक्स आप ये लिखोगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा फिर आप दोबारा डू हैव एनी अपडेट इस तरीके से आप उनको चेज़ कर सकते हो और फिर उसके फाल्य। बाद फाइनली मुझे वहाँ से रिप्लाई आया दो चीज़ें मारने के बाद हाई अजय आई हैव सेंट यूर सी टू माई टीम विल कनेक्ट विद यू ठीक है फिर उन्होंने मुझे कॉल किया बात हुई इंटरव्यू शेड्यूल हुआ तो लिंक के थ्रू मैंने इस तरीके से मैं लिखता था और आ, 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 बात बन जाती थी अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कंपनी को मना करते हैं ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या लिखना है उल आप लिख सकते हो बट कुछ लोग हैं नहीं माइंड में थाट्स होते बट इट्स नॉट बैड मुझे भी नहीं पता था मैंने भी गूगल किया क्या लिखते हैं सीरियसली मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ नहीं पता होता होते समाइम आप जो अपनी चीज़ की नहीं तो कैसे पता होगा या तो कोई सीनियर आपको एडवाइस करे या कोई वो बंदा जिसने वो काम ऑलरेडी कर रखा हो तो जैसा कि मैं बात करूँ तीन तीन कंपनी को मैंने मना किया था तो मैंने क्या लिखा था थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ और उस तरीके से आप भी लिख पाओ तो मैंने लिखा था हाई जो भी एच आर था एंड टीम आई रियली अप्रीशिएट द टाइम यू स्पेंड मीटिंग विद मी टू डिस्कस दिस पोजिशन

यू हैव माई विशेज बेस्ट विशेज इन फाइंडिंग अ सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोजिशन आई विश यू एंड द कंपनी वेल इन ऑल फ्यूचर एंड ओवर सो इस तरीके से आप उसको क्लोज कर सकते हो ठीक है एंड आई विल डेफिनेटली कम बैक इन द फ्यूचर एंड होप वी विल वर्क टूगेदर इन द फ्यूचर एज वेल थैंक यू सो मच एंड चीय देट्स एट तो इतना आपको लिखना है इस तरीके से मैंने लिखा था और उसके बाद मुझे एच आर आर कॉल भी आया मानोगे आप एच आर आर कॉल आया बहुत अच्छे से हमारी बात हुई तो बहुत अच्छे से हमने वहाँ पर चीज़ें क्लोज करने की कोशिश करी तो सारी बात शब्दों का है वर्ड्स का है और इसी का ही सब चलता है आईटी के अंदर ठीक है जी आई होप आपको ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा हमने मैंने ट्राई किया माइट भी देखो अभी क्या होता है कुछ थाट्स जितने थे मैंने आपको सामने सारे के सारे एक्सप्रेस कर दिए तो हमने स्विच के बारे में बात करी नोटिस स्प्रेड के बारे में बात करी ऑफर के ऊपर ऑफर के ऊपर ऑफर की बात करी आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आपने लास्ट ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके देख लो और प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई सपोर्ट करो लाइक करो और ज़्यादा से लाइक करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं और अच्छा कंटेंट बना पाऊँ क्योंकि अगर आपको खाली लाइक करना और कुछ नहीं करना और वो फ्री है बिल्कुल तो अगर आप करोगे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो अलॉन्ग बेल आइकन जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे मैं ट्राई करता रहूँगा कि ऐसा कॉन्टेंट कुछ बेटर इनसाइट जो मेरे एक्सपीरियंस के है वो मैं आपको शेयर करता रहूँ चलिए जी मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर टिल दैन ध्यान रखिए अपना टेक केयर बाय एंड जय हिंद